सिक्कावदं स्मादियामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। जातक कथा नंबर 118, बुद्धिमान तित्तिर। तित्तिर को आज की संस्कृत भाषा में तीतर बोलते हैं, इसको बटेर भी बोला जाता है। तीतर बटेर दोनों साथ चलते। अब बुद्धिमान तीतर की जो कहानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट आज के संदर्भ में है। पहले तो थी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, धम्म को, इन जो पंचशील की जो तत्व हैं जिनको पंचतंत्र की कहानी बोलते हैं, उसमें बहुत सरल तरीके से सिखाते थे, भाड़क बताते थे। घर घर में कथाएं होती थी, उसी की ये कहानी है, बुद्धिमान तित्तर या बुद्धिमान तीतर या बुद्धिमान बटेर। बहुत सारी जो बटेर या तीतर होते हैं वो जंगल में रहते हैं, साथ साथ झुंड बना के एक ही जगह रहते हैं, क्योंकि वो जमीन पे ज्यादा दाना चुगते हैं, थोड़े भारी होते हैं, उनके शरीर में मास ज्यादा होता है, तो ऊंची उड़ान नहीं भर पाते, जमीन पे ज्यादा रहते हैं, ये उनकी कमजोरी होती है। जो बहेलिया होता है, बहेलिया वो होता है जो इनको पकड़ के अपना व्यापार करता है, इनको बेचता है, क्योंकि तीतर बटेर का जो मांस है वो पुराने समय से खाया जाता है, हाई एनर्जी हाई प्रोटीन का मांस होता है। तो वो उसका काम था बहेलिया का कि वो जंगल में जाल बिछाता था और तीतर बटेर को पकड़कर उन्हें बाजार में बेचता था। तो तीतरों का एक झुंड था, उसका एक सरदार था। जब बहेलिया को ये पता चला कि यहाँ बहुत सारे तीतर हैं, तो उसने वहां जाल डाला, कुछ तीतर को पकड़ा ले गया, फिर दोबारा जाल डाला, कुछ तीतर को पकड़ा ले गया, और ले जाकर उनको घर में खूब दाना पानी खिलाता था, जिससे कि उनका वजन और बढ़ जाए और वो और खूबसूरत हो जाए और अच्छे पैसे मिले। तुरंत नहीं बेचता था, और सारे तीतर उसका खूब दाना पानी खाते थे और खा खा के मोटे हो जाते थे, और फिर वो उनको अच्छे दामों में बेचता था। जो तीतर का मुखिया था, एक दिन वो पकड़ा गया तो बहेलिया उसको अपने घर ले गया, और जब अपने घर ले गया तो उसको खूब दाना पानी उसने दिया। जो मुखिया था उसने ये सोचा कि इसने मुझे पकड़ लिया, बंद कर लिया, और अब ये मुझे खाना भी खिला रहा है। अगर ये मेरा इतना हितैषी होता, अगर ये मेरा इतना वेल विशर होता, अगर ये मेरा इतना लाभ करने वाला होता, अगर ये मेरा सगा रिश्तेदार होता, अगर ये मेरी फायदा करने वाला होता, तो मुझे पकड़ता ही क्यों? जब ये खिला रहा है तो मेरा फायदा कर रहा है, मगर पकड़ रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही। भाई छोड़ देता मुझे, अगर इतना ही मुझे अच्छा लगता है ये, या ये मुझे ये कहता है कि इसको खाना पानी देना चाहिए। और कई दिन ये लोगों को खाना पानी देने का है उसने और तीतरों से पता किया, तो उसे थोड़ा सा झटका लगा और उसने अपना चिंतन आरंभ किया, सोचना आरंभ किया। जब उसने अपना चिंतन आरंभ किया, सोचना आरंभ किया, तो उस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये जो मुझे दाना पानी दे रहा है, ये अपने लाभ के लिए दे रहा है, मेरा इसमें हानि है। उसको ये पता नहीं है कि हानि क्या होने वाली है, तो बेहतर है कि मैं इसका दाना पानी ना खाऊं। तो उसने उसका दाना और पानी दोनों छोड़ दिए और वो कमजोर होने लगा, बाकी तीतर मोटे होने लगे। वो बहेलिया उस तीतर का पूरा पिंजर को उठा गए। पिंजर जो बोलते हैं, वो जो हमारी पसलियां होती हैं पाली में, उनको पिंजर बोलते हैं। इसी से पिंजरा बना हुआ है, इसी से पिंजर बना हुआ है, इसी से जाल बना हुआ है। तो वो पिंजड़े को ले गया और पिंजड़े को ले जाकर उसने बाजार में तीतरों को बेचना शुरू किया, बटेरों को बेचना शुरू किया। तो मोटे मोटे जो तीतर थे वो छट्टे शुरू हो गए, और वो जो बेकार मरियल सा तीतर जो सरदार था, उसे किसी ने खरीदा नहीं। और वहां जब वो तीतर बिकने लगे तो सरदार को समझ में आ गया कि ये मुझे बेच रहा है और बाकी लोग लेके जा रहे हैं, तो ये मेरा क्या उपयोग करने वाले हैं और मैं इनके क्या काम आऊंगा। तो वो वहां बेहोशी का नाटक करके मकड़ बना के पिंजड़े में गिर गया। सारे तीतर बिके, शाम तक वो नहीं बिका। तो बहेली ने देखा कि ये मर तो नहीं गया, तो उसने हाथ से बाहर निकाला और चेक करने के लिए जैसे ही उसने हाथ को खोला, वो जो तीतरों का सरदार था उसने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया और आजाद हो गया। आजाद होने के बाद में वो अपने जहां उसका ठिकाना था वहां पहुंचा। वहां बाकी जो तीतर थे उन्होंने उससे पूछा कि तुम कहां रहे और कहां गायब रहे और क्या हुआ तुम्हारे साथ में। तब ये जो जातक कथा 118 है, जो पाली में इस प्रकार है, ये कही गई। सुनिए क्या कहती है जातक कथा। ने अचिंतयंतो पुरिसो विशेषं अधिगच्छति चिंतितस्य फलं पशसं मुत्तोस्मि वद बंद नाति। ने
अचिंतयंतो पुरुषो विशेषं अतिगच्छति, यानी कि जो पुरुष विशेष रूप से चिंतन को प्राप्त नहीं करता है, यानी कि जो पुरुष का मतलब होता है पाली के अंदर नर और नारी दोनों, यानी कि जो नर नारी खास रूप से मुसीबत में फंसकर विशेष रूप से बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, चिंतन नहीं करते, सोच विचार नहीं करते, क्या होता है उनके साथ? चिंतत से फलंग पसंग मुत्तुस्मी वद बंद नाती, चिंतित से फलंग पससंग। चिंतित से का मतलब है चिंता की, यानी जो चिंतन किया है, जो सोच विचार किया है, सोच विचार का। पसंग माने फल देखना और फलंग माने रिजल्ट को, यानी ये सोच विचार का रिजल्ट देखो, मैं यहां आ गया हूं वापस, ये मेरे सोच विचार का रिजल्ट है कि जो मैं छुट गया। मुत्तोस्मिं वद बंद नाती, मुत्तोस्मिं का मतलब है कि मैं मुक्त हुआ, मैं मुक्त हो गया किससे? वद बंद नाती, यानी वद माने होता है हत्या या नुकसान, वद करना हानि, और बंद नाती का मतलब है बंधन से, यानी कि मैं हत्या से, मरने से, उसके बंधन से जो मुझे कैद थी मैं उससे आजाद हो गया। मैं इसको आप देखो क्या मतलब है इसका, अब क्या कहना चाहती है ये जो जातक कथा है 118 नंबर। दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता, ये है इसका मतलब। अगर बहेलिया आपको दाना पानी देगा तो वो पागल नहीं है कि आपको पकड़ के लाया है और आपको दाना पानी देगा और फिर आपको वो छोड़ेगा। अगर आप वोट देने जाते हैं अपना और वोट किसी लालच में देते हैं और समझदारी बुद्धिमान का इस्तेमाल नहीं करते, किसी का दावत खा लिया, किसी से कोई गिफ्ट ले लिया, किसी से पैसा ले लिया, किसी का शराब पी लिया, तो आपका फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो आपको खाना पानी दारू दे रहा है वो अपना फायदा लेगा। आपको क्यों फायदा देगा? आपको तो उसने दाना पानी दे दिया। जो मुसीबत में चिंतन नहीं करते, जब कोई दुख और परेशानी आती है या कष्ट आता है और वो ये नहीं सोचते कि ये दुख परेशानी आई है इसका क्या कारण है, तो वो मुक्त नहीं हो सकते। अगर आप ये देखें कि दुख हमें किस लिए आ रहा है, जैसे ज्योतिराव फूले ने देखा कि अरे मैं पढ़ा नहीं, हम पढ़े नहीं, इसलिए हमारी जो बुद्धि है वो चली गई, और बुद्धि चली गई तो हमारा धन चला गया, तो हमारा बल चला गया, यानी मति चली गई, मति से गति चली गई। ये मति गति जो गई है इसलिए गई है क्योंकि हमने जो विद्या है उसको हासिल नहीं किया, यानी कि आप पढ़ना बंद कर दिया। तो आप ये देखिए कि आपका जो नुकसान है वो कहाँ हो रहा है, सामने वाला आपको क्या लालच दे रहा है। अगर कोई आपको घर में बुला के मीठी मीठी बात कर रहा है या रास्ते में मिलके मीठी मीठी बात कर रहा है, तो वो आपको बहेलिया है, दाना दे रहा है, आपने उसका दाना खा लिया, या आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, या आपको लालच दे रहा है, या कोई ऑफर दे रहा है, आपने उसका ऑफर ले लिया तो दाना खा लिया। अब कटने की बारी आपकी है क्योंकि आपने जो खाना था वो तो खा लिया। तो सोचिए समझिए कि फ्री में कुछ नहीं मिलता। कोई टेलीफोन की कंपनी है जो आपको ऑफर दे रही है कि 25 रुपए में आपका ये फ्री में दे देंगे, तो फ्री में कंपनी चलेगी कहां से, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयों को पैसा भी देगा, उसकी मशीनरी का पैसा भी है, वो आपको फंसा रहा है ताकि आप उसकी आदत में आ जाएं। ये यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर बिजनेस का पैटर्न बहुत चलता है, ये भारत में भी आने लगा है। पहले फ्री में देके आदत डालो, उसके बाद ज्यादा पैसा वसूल करो। पहले फ्री में देके उसको उसका राग डालो, फिर उसकी हैबिट डालो, फिर वो लोन लेके घर बेच के आपको पैसा देगा। ये ठीक ऐसे है कि जैसे किसी से शराब पीना हो तो पहले उसके बच्चे को फ्री में शराब पिलाओ, और जब वो शराब पीने का आदि हो जाए तो अपने बाप का पैसा चुराएगा, अपनी माँ के गहने चुराएगा और आपको शराब की बोतल ला के देगा। तो सावधान रहिए, क्योंकि बहेलिए सब जगह घूम रहे हैं, दाना लेके, जाल लेके। अगर आपने बचना है तो बहेली जो तीतरों का सरदार था उसकी तरह सोचकर उसका दाना पानी ग्रहण ना करें, आप मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद। भारतीय रक्षा बंधन या रखड़ी या राखी या सनूने, ये जो सावन का पूर्णमासी जब भी साल में आता है, हमारे घर में एक चर्चा लेके आता था। दरअसल जो मेरी बड़ी बहनें थी वो कहती थी, ओ तू करेगा हमारी रक्षा,
तो उनका एक व्यंग होता था और वो हंसती थी काफी, क्योंकि मैं छोटा था और वो उम्र में मुझसे बड़ी थी। तो जाहिर सी बात है मैं उनकी क्या रक्षा करूंगा और क्या नहीं करूंगा, मगर इस बात पर इस सेंटेंस में बहुत सारी बातें छुपी रहती थी। दरअसल अगर आप ध्यान देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर भारत की ही महिलाएं कमजोर हैं जिनको रक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, या जिनको शेल्टर चाहिए या जिनको प्रोटेक्शन चाहिए। बाकी दुनिया में जितनी महिलाएं हैं, जितनी बहनें हैं, उनको किसी को सुरक्षा नहीं चाहिए। वो सब बड़ी मजबूत हैं, उनका आत्मबल बड़ा अच्छा है, और इसराइल के अंदर तो सारी महिलाओं को सेना की ट्रेनिंग भी मिलती है, तो वो तो किसी आर्मी से वैसे भी कम नहीं है। और यूरोप की सारी महिलाएं सब कुंग फू की या कराटे की या सेल्फ आत्मविश्वास की या पढ़ाई की या लिखाई की पूरी तरह से मुस्तैद होती हैं। वो तो अच्छे अच्छे आदमी की रक्षा कर दें, उनकी रक्षा कौन करेगा। तो ये बात हमारे घर में चर्चा का विषय रहती थी, क्योंकि रक्षाबंधन तो हमारे यहाँ होता नहीं था, मगर चूंकि उस दिन सारे काम धाम बंद रहते थे, सारी हमारी दुकानें बंद रह जाती थी और घर में रहते थे, कुछ जगह मैंने देखा कि रक्षाबंधन के नाम पर लोग इकट्ठे होकर जुआ वगैरह खेलते रहते थे, शराब वगैरह पीते रहते थे। छुट्टी का दिन होता था, माहौल बढ़िया होता था, तो लोग अपना रंग रलियां मनाते रहते थे। मगर ये चर्चा हर साल हमारे होती रहती थी कि महिलाएं भारत में मानसिक रूप से हर साल इतनी कमजोर क्यों की जाती हैं कि हर साल उनको रक्षा का एक एग्रीमेंट, सुरक्षा का एक एग्रीमेंट, प्रोटेक्शन का एक एग्रीमेंट या एक उनसे समझौता होता है। यानी कि एक धागा बांधा तो एक एग्रीमेंट हो गया, भाई तुम मेरी रक्षा करना, मैं बहुत कमजोर हूं। तो हर साल ये जो एक एग्रीमेंट होता है, खास तौर से बहन और भाई के बीच में जो एग्रीमेंट या करार या एक दस्तावेज या एक समझौता होता है कि भाई तुम मेरी रक्षा करना, मैं बहुत कमजोर हूं, तुम्हारी रक्षा के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। और ये सारा का सारा करार और एग्रीमेंट और दस्तावेज सब भारत के कुछ ही लोगों में होता है, ये बाकी लोग नहीं करते। भारत में भी ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस करार को या एग्रीमेंट को मानते हों या सभी ये मानते हों कि उनकी जो महिला में खासतौर से जो बहनें हैं वो कमजोर हैं। इसके अलावा ये एग्रीमेंट माँ के लिए नहीं है, जो प्रेमिका है उसके लिए नहीं है, जो दादी है उसके लिए नहीं है, जो आपकी पत्नी है उसके लिए नहीं है, जो आपकी सहायक कर्मचारी है महिला है उसके लिए नहीं है। यानी कि ये सिर्फ बहन के लिए है, और एग्रीमेंट वन साइडेड है, यानी कि आज जो भाई है वही रक्षा करेगा, और चाहे भाई 2 साल का है या 200 साल का है उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे बहन 100 साल की है, चाहे बहन 1 महीने की है, बहन की रक्षा चाहे वो कितनी बड़ी है वो छोटा सा भाई भी करेगा। ये अनुबंध का करार का एक हिस्सा है जो हमारे घर में चर्चा का और हंसी का विषय बनता था। अरे मैं छोटा था, दरअसल मेरी बहनें बड़ी थी, वो मेरा स्कूल में एडमिशन करा के आई, मास्टर के साथ कई बार वो झगड़ के लड़के आई, कई बार उन्होंने मेरी प्रोटेक्शन की, कई एक बार मैं झूले से गिर गया उन्होंने मुझे उठा के वो हॉस्पिटल ले गई, दवा दारू मेरी करती थी, हमको डेंगू हुआ तो मेरी छोटी बहन और बड़ी बहन सारी मिलके सारा हमें ध्यान रखती थी पूरे परिवार का, यहाँ तक कि मेरे फादर को भी डेंगू हुआ, बड़े भाई को भी डेंगू हुआ, उनकी भी सेवा उन्होंने की, उनकी भी प्रोटेक्शन उन्होंने की। तो वो हंसती थी हमारे ऊपर, कहती थी तू करेगा हमारी सेवा, तू करेगा हमारी रक्षा। चूंकि हमारे घर में माहौल बड़ा ओपन था और चर्चा का था, और सारा का सारा जितना भी था वो बुद्ध की जितनी फिलॉसफी थी, क्योंकि मेरे फादर बुद्ध की फिलॉसफी को बहुत पहले से अडॉप्ट कर चुके थे, जानते थे, और ये भी समझ में आ गया उनको कि बहुत पहले से हम इस फिलॉसफी पर चलते हैं और वो सब सिमिलर है, वो सब मिलता है। तो हम भी हंसते थे कि ये क्या मजाक है और ये क्या चल रहा है, घर की बात घर में रहती थी। अब चूंकि ये फेस्टिवल आ रहा है तो मैं लगा कि एक चर्चा जितनी भी हमारी बहनें हैं उनके साथ में हो जाए जो भारतीय हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सिस्टम नहीं है, भारत के कुछ लोगों में है, भारत के सब लोगों में भी नहीं है। आप अगर देखेंगे तो भारत में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, सभी इस कल्चर को, सभी इस एग्रीमेंट को, सभी इस दस्तावेज को, सभी इस करार को नहीं मानते। और एक करार में सिर्फ एक ही दिन रक्षा लिखी हुई है, आपने सिर्फ एक खास दिन हमारी रक्षा करनी है, और रक्षा के करार के बावजूद भी वो कौन से भाई हैं जो बहनों की हत्याएं कर रहे हैं, जो बहनों से दहेज ले रहे हैं, जो बहनों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो बहन के पैदा होते ही उसको एक चम्मच नमक उसके मुंह में डाल के उसकी हत्या कर देते हैं, वो कौन से भाई हैं जो बहन पैदा होती है तो रोना शुरू कर देते हैं, वो परिवार रोना शुरू कर देते हैं, वो कौन से भाई हैं जो बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, बहनों की हत्याएं कर रहे हैं, वो कौन से भाई हैं जो बहनों को संसद में बराबर का अधिकार आज तक नहीं दे रहे हैं।
ना बराबर की सीटें देते हैं, वो कौन से भाई हैं जो उनको कहते हैं कि ये काम तेरे बस का नहीं है, ये काम औरतों का है, ये काम आदमियों का, जिन्होंने काम बांट दिए वो कौन से भाई हैं। दरअसल यहां पता नहीं चल पाता कि जो एग्रीमेंट कर रहा है साइन, जो दस्तावेज में साइन कर रहा है, करार में साइन कर रहा है, जो रक्षाबंधन का जो धागा है, जो सूत्र है उसको बांध रहा है, क्या वही भाई है जो बहनों के अधिकार को दबा रहा है, जो बहनों को कहता है कि तुझे घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, तेरा काम सिर्फ खाना बनाने का है, तेरा काम पढ़ने का नहीं है, या तेरा काम ये जो काम है ये मर्दों का है या आदमियों का है, ये तुझे नहीं करना है। भाई सारी दुनिया में तो जो आधी आबादी है वो कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है, भारत में स्थिति क्यों खराब है? अगर ऐसी बात होती तो पूरी दुनिया में ये एग्रीमेंट होता कि भाई सारे जो भाई हैं वो बहनों की रक्षा करेंगे, मगर बाकी दुनिया में महिलाएं और पुरुष कंधा मिला के काम कर रही हैं। वो इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सेना में अफसर भी हैं, वो जहाज भी उड़ा रही हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो दुकान भी चला रही हैं, वो ऑटो मोबाइल भी चला रही हैं, रिक्शा भी चला रही हैं, कुंग फू कराटे भी हैं, सेना, मतलब वो काम जो सारा एक मनुष्य कर सकता है वो सारे वो काम कर रही हैं, और उससे भी ज़्यादा उनके पास एक काम होता है कि वो भाई की उत्पत्ति भी करती हैं। यानी भाई जो पैदा होता है वो बहन के किसी ना किसी बहन के पेट से ही पैदा होता है, जो मर्द पैदा होता है, जो आदमी पैदा होता है, क्योंकि आदमी को मनुष्य पैदा करने की ताकत नहीं है, वो महिला के अंदर ही है। तो एक हाथ और आगे हैं, जब एक हाथ और आगे हैं तो फिर सारा का सारा एग्रीमेंट किस तरह से, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये इतना बेकार सा एग्रीमेंट चल कैसे रहा है? क्योंकि हर साल आप जब महिला को ये कहते हैं कि देख हम तुझसे करार एग्रीमेंट करते हैं, हम तेरी रक्षा करेंगे, तो साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि तू कमजोर है, उसके मन में बचपन से ये बात डाली जाती है कि तू कमजोर है, उसको मन में बचपन से ये बात डाली जाती है तू मोटरसाइकिल नहीं चला सकती है, तू साइकिल नहीं चला सकती है, तू कार नहीं चला सकती है, तू जहाज नहीं चला सकती है, तू ये काम नहीं कर सकती है, तू ये काम नहीं कर सकती है, ये बात बचपन से कौन डाल रहा है? क्योंकि भारत में जो पुरानी संस्कृति है, जो भारत का पुराना इतिहास है, उसमें मात प्रधान यानी कि महिला प्रधान घर रहे हैं, कुल माताएं होती थी, कुल पिता का कोई जिक्र नहीं है। भगवान बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं उसमें कुल माता का जिक्र है, जैसे महामाया थी या जो प्रजापति गौतमी थी, ये कुल माताएं थी, कुल पिता नहीं थे शुद्धोधन, यानी कि कुल पिता का जिक्र नहीं है। घर में जो व्यवस्था चलती थी सारी की सारी वो माता ही चलाती थी, और माता सारे काम करती थी, जंगल के भी, बाहर के भी, इधर के भी, उधर के भी, 24 घंटे काम करती थी, एक पुरुष से 3 गुना ज्यादा काम। तो काम तो आज भी वो ज्यादा कर रही है, बल्कि पुरुष से 5 गुना काम कर रही है। सुबह उठती है 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगी रहती है, अगर वो नौकरी करती है तो भी, और नहीं करती है तो भी, मगर फिर भी हर साल उसको एक एहसास करा देते हैं कि तू कमजोर है, तू कमजोर है, तू कमजोर है। अरे गुलाम बना रहे हो क्या उसको बार बार ये कह के कि तू कमजोर है, कमजोर है? कभी ये कहो ना कि तू बलवान है, तू शक्तिशाली है, तू 5 आदमियों का काम अकेले करती है, तू घर का सफाई वाली भी है, तू घर का कुक भी है, तू घर का सिक्योरिटी गार्ड भी है, तू घर का मैनेजर भी है, तू घर का टीचर बच्चों को पढ़ाने वाला भी है, तू घर का प्रोडक्शन भी है, तू घर का मैनेजर भी है। कभी ये एहसास उसको कराओ कि तू हमसे कितना ज्यादा बड़ी है, या जो ये सत्ता जो आपकी मानसिकता है दिमाग के अंदर है, ये देश को हमेशा कमजोरी करती रहेगी। अपनी ही नारी को अगर कमजोर होने का एहसास कराओगे तो अपनी आधी आबादी को कमजोर कर दोगे, और जब अपनी आधी आबादी को कमजोर घोषित कर दोगे तो जीतोगे किससे? नेपाल जैसा देश भी चाटा मार के निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। चीन और अमरीका के तो सपने भी छोड़ देना, क्योंकि वहां औरतें बहुत ज्यादा काम करती हैं, और नेपाल में भी औरतें ज्यादा काम करती हैं, तो कैसे जीतोगे, कैसे लड़ोगे? इसलिए इस एग्रीमेंट को डबल एग्रीमेंट बनाओ, अगर ये बनाना है। तू मेरी रक्षा कर, मैं तेरी रक्षा करूं, तो बात समझ में आती है। और खाली मैं तेरी रक्षा करूं और तू कमजोर है और तू ऐसे ही बनी रहे, तो आप अपनी स्त्रियों के दिमाग में हर समय ये बात डालते हैं कि तू कमजोर है, और कमजोर जब जिसके बात में दिमाग में आ जाती है, उसको उठने में, उसको बलवान होने में बड़ा टाइम लगता है। बचपन से ही एक धागा बांध के 20-50 रुपए उसके हाथ में दे के, एक बर्फी का पीस दे के या कोई गिफ्ट दे के, कितना बड़ा अन्याय किया जाता है उसके साथ में, कि उसके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि तू कमजोर है और हम तेरी रक्षा करेंगे। भाई बहन का प्यार तो समझ में आता है, भाई बहन का प्यार ये कहता है कि देख भाई मैं तुझसे प्यार करती हूँ, ये मैंने तुझे धागा बांधा प्यार का, और जो बहन है और जो भाई है वो कहे कि मैं भी तुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ, ले मैंने तेरे 2 धागे बांधे, तूने 1 बांधा, मैं डबल बांधता हूँ। ये तो समझ में आता है, ये तो समझ में आता है
कि बहन अगर भाई के लिए एक टाइम खाना बनाए और भाई उसके लिए दो टाइम खाना बनाए तो समझ में आता है कि प्यार है, मगर बहन को ये कहते रहे कि सारी जिम्मेदारी तेरी है और तू कमजोर भी है और तू ऐसी भी है, तो ये भारत को सीधे सीधे रूप से कमजोर करने वाली एक कहानी है, एक एग्रीमेंट है। जिसने भी ये बनाया है वो भारत की महिलाओं का कोई बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त नहीं है, और मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो वो भारत का तो दुश्मन है ही, क्योंकि हमारी भारत की नारियों के दिमाग में ये बात डाल रहा है साल दर साल कि तुम कमजोर हो, तुम्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, तुम्हें रक्षा की आवश्यकता है। सोचिए इसके बारे में, क्योंकि मेरे घर में तो ये 50 और 40 साल से लगातार सोचा जा रहा है, बताया जा रहा है। सोचा आपको भी मैं बता दूं जो मेरे घर के हालात रहे हैं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Dhammam Sarnam Gacchami.